सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, कुछ एग्जांपल से हमने उसे एक्सप्लेन किया था, एमीटर, कन्वेंशनल करंट, चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज, तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे उसे मेजर किया जाता है और किस तरीके से उसको नेगलेक्ट करेंगे अगर वो सर्किट में आ जाए, तो ये सारी सब कुछ चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो आपको PDF की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और पहली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा सबसे पहले कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर करंट इजीली फ्लो कर जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं करता। कंडक्टर्स की डेफिनेशन देखिए, आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है। वहीं अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। इट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो कर जाता है और इंसुलेटर वो जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। अब देखिए, अब इसमें इस चैप्टर में हम बार बार एक वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक क्लोज पाथ होता है, क्योंकि जब तक ये पाथ क्लोज नहीं होगा इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। और अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो इट मीन्स कि जो हमारा ये जो सर्किट है, जो ये आपको सेटअप दे रखा है, ये आपका इनकम्प्लीट है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए, यहाँ पे क्या है, बल्ब, बल्ब की जगह आपका रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टर भी हो सकता है। उसके बाद में ये आपकी की है, इसमें मैं आपको आगे वीडियोस में मैं आपको सिंबल्स बताने वाली हूँ, पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है, वो आप डाउनलोड करिएगा। उससे क्या होगा, ये जैसे की मैंने बना दी तो ये कब ओपन है कब क्लोज है तो इससे आपको पता चल जाएगा, अभी ये क्लोज की है। इसके अलावा ये बैटरी है और ये आपका एमीटर है। तो इसमें सर्किट में किस तरीके से एमीटर कहाँ लगेगा, बल्ब कहाँ लगेगा, सीरीज में होगा, पैरेलल में होगा, तो ये सारी चीज़ें हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज़ अ क्लोज पाथ अलॉन्ग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। वहीं अगर हम एमीटर की बात करें तो ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज में मीन्स कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। और जो हमारे पास सर्किट में ये जो एरोज दे रखे होते हैं, ये एरो करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो ये करंट देखिए, यहाँ से ये डायरेक्शन है इसकी और ये मूव करते हुए जा रहा है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपका क्वेश्चन आता ही आता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन पे चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, वो फ्लो करते हैं। अब इसमें एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा है हमारे घर में मोटर का यूज़ करते हैं हम, नीचे वाले फ्लोर से अगर बिल्कुल आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो अगर, और आपका जो वाटर टैंक है वो बिल्कुल रूफ पे है, तो वहाँ तक आपको पानी ट्रांसफ़र करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मोटर की ज़रूरत होती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है। तो इसमें हम एक प्रोसेस नोट करते हैं जिसमें क्या होता है कि जो फ्लो होता है, जो फ्लूइड्स होते हैं वो जो फ्लो करते हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब एक साइड पे हाई हो, हाई होने से जिस साइड लो होता है वो उस साइड फ्लो करते जाते हैं, क्योंकि पानी को या किसी भी ऐसी चीज़ को खींचने के लिए एक साइड पे प्रेशर हाई चाहिए होता है। अब इसमें एग्जांपल है वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, इसमें एक ट्यूब का एग्जांपल दे रखा है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें आपको ये चीज़ समझ आएगी कि एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब आगे देखिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल दैट जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टर्म हमारी
करंट के टाइम पे यूज होती है, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं, तो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया कि जब पाथ क्लोज होता है उस टाइम पे करंट उसमें फ्लो करता है। अब करंट फ्लो करने के लिए एक केमिकल एक्शन होता है और वो तभी जनरेट हो सकता है जब उनके टर्मिनल्स के बीच में, टर्मिनल्स मीन्स की जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसी टाइम पे करंट फ्लो होना पॉसिबल होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखें, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते वक्त जो यूनिट चार्ज कैरी होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को, इसका जो फॉर्मूला होता है इसको शो करने के लिए हम वी का यूज करते हैं, कैपिटल वी। और वी आपने देखा है कि जब हम, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन आपको करवाई थी तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि वी का मतलब वोल्टेज भी होता है, तो उस टाइम पे हम स्मॉल वी भी ले सकते हैं और यहाँ पे हम कैपिटल वी लेते हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। W आपका वर्क डन हो गया या वर्क, और Q आपका नेट चार्ज हो गया। तो ये सिंबल मीनिंग्स है। अब इसकी जो SI यूनिट होती है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स। उसको आप किससे शो करते हैं? V से। ये हमारे पास कहाँ से आया? एक जर्मन फिजिशियस थे 19th सेंचुरी में, उनके नाम पे ये यूनिट का नाम पड़ा। SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है? वोल्ट। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी आपके पास टर्म्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनमें आपको सब की SI यूनिट पता होनी चाहिए। ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा जब आपको SI यूनिट पता होती है तो उस टाइम पे हम न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। देन अब वोल्ट्स, SI यूनिट इसकी वोल्ट है, तो आप वन वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? वन वोल्ट का मतलब होता है व्हेन वन जूल ऑफ वर्क। आपको पता है वर्क जो होता है या कोई भी एनर्जी होती है उसको हम जूल्स में मेजर करते हैं। इज डन इन कैरिंग वन कूलम। कूलम किसके लिए यूज किया था हमने? चार्ज के लिए। ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर यहाँ पे कंडक्टर वर्ड यूज हो गया है इट मीन्स कि उसमें करंट है ही है। तो आप करंट कैरिंग कंडक्टर, आपको इससे समझ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कंडक्टर की बात हो रही है। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है और इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करता। देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी वन वोल्ट। तो उसको क्या कहते हैं? वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है उस सर्किट में उस टाइम पे। वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल अपॉन में वन कूलम्स। जूल्स में आपका वर्क हो गया एंड कूलम्स में चार्ज, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का ऊपर फॉर्मूला करा था, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। ये सेम उसी से डिराइव हुआ है। देन नेक्स्ट टर्म आती है आपकी वोल्ट मीटर। एमीटर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसे हम सीरीज में लगाते हैं, वहीं वोल्ट मीटर एमीटर का ऑपोजिट होता है, इसे हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल वी। ये इसे वी से डिनोट करते हैं। एमीटर की अगर आप बात करें तो उसको आप कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। इसके अलावा आपका वोल्ट मीटर और एमीटर पे क्वेश्चन भी आ जाता है, उसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाता है, तो एमीटर आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्टेड होता है? पैरेलल में। और वहीं एमीटर का किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में। अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी मेजर्ड। अब देखिए इसमें हम पैरेलल में कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होगा। अब ये सर्किट देखिए, यहाँ पे आपका ये बैटरी है, ये की क्लोज है, तो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि जो सर्किट है आपका वो कंप्लीट सर्किट है। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ये आपका रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है, बल्ब भी, यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अब क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब आपको निकालना होगा तो इसको मेजर करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? वोल्ट मीटर की। मीन्स कि इन दोनों के बीच में जब आप वोल्टेज मेजर करते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये निकालने के लिए हमें वोल्ट मीटर की जरूरत होती है, तो ये ए बी है। अब इसके बिल्कुल पैरेलल में हम क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो इससे आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। नाउ इट हैज हाई रेजिस्टेंस।
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है, वहीं एमीटर का रेजिस्टेंस हाई नहीं होता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जब वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज हमेशा हायर से लोअर पे जाएगा, सेम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करेगा जब कभी भी आप वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हो और जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसमें माइंड में आता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।